वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको मुरमुरा और पोहा को मिक्स करके चिवड़ा बनाना बताऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने पैन रखा है और उसमें मैंने 2 टीस्पून तेल ऐड किया है। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मीठा नीम यानी कि कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। तेल हल्का गर्म हो गया है तो चलिए अब हम इसमें मीठा नीम ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लिया था, ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम मुरमुरे ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मुरमुरे लिए हैं। कम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हमको इसी तरह इसको लगातार चलाते रहना है। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो गैस को हम बंद कर देंगे। मुरमुरे अच्छी तरह से गर्म हो गए हैं तो चलिए गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। जब मुरमुरे हल्के से ठंडे हो जाएंगे तो इसमें हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो इसमें मैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें लूंगी नींबू का सत, वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें लेंगे शक्कर का बूरा, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। खट्टा मीठा फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। गैस पे मैंने पैन रखा है और उसमें मैंने तेल ऐड किया है। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तब हमें मूंगफली फ्राई करनी है। अब हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली कम ज्यादा आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मूंगफली ऐड की है। इसको अच्छी तरह से हम हिला देंगे। कम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। मूंगफली सिक चुकी है तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। ये मूंगफली भी हम मुरमुरे में ऐड कर देंगे। अब हम पोहा को फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह के हमने पोहे लिए हैं। जितने हमने मुरमुरे लिए हैं उतने ही हमने पोहे लिए हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट नहीं तलूंगी, इस तरह की जर आती है उससे मैं इसको तलूंगी। इसको हम इसमें रख देते हैं। आपके पास यदि जड़ नहीं तो आप डायरेक्ट भी तल सकते हैं। अब इसमें हम पोहा ऐड करेंगे। थोड़े थोड़े करके हमें इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं पोहे हमारे तल चुके हैं तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं। इन्हें भी हम मुरमुरे के साथ ऐड कर देंगे। इस तरह सारे पोहे हमें तलने हैं। मार्केट में तलने वाले पोहे भी आते हैं, वो थोड़े साइज से बड़े होते हैं। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप जो नाश्ते में जो पोहा बनाती है वो भी आप यूज में ले सकते हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे नमक। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। पहले एक बार हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पोहा, मुरमुरे और मूंगफली तीनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। 4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर का बूरा। आप चाहे तो पीसी भी शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तभी हमें शक्कर लास्ट में ही ऐड करनी है, नहीं तो शक्कर पानी छोड़ देती है। इस बात का आप खास ध्यान रखना। खट्टा मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यदि आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप शक्कर को हटा दें, नहीं डालें उसमें। इस तरह हमारा पोहा चीरवा बनके तैयार हो गया है। इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये लंबे समय तक खराब नहीं होता है। कहीं पे भी सफर में जाए तो हम साथ में ले जा सकते हैं या फिर किसी भी फेस्टिवल पर हम इसे बनाकर रख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।